हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके हमारे चैनल PVR स्टडी पे। ठीक है, शुरू करते हैं हम जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था अपना टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम। हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम में परिसंचरण तंत्र, ब्लड। ब्लड हमारा टॉपिक चल रहा था, तो आगे हम इसको जारी करते हैं ब्लड्स के बारे में। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ब्लड्स क्या होते हैं, ब्लड्स। ठीक, ब्लड्स के बारे में स्टार्ट कर रहे थे। तो ब्लड में क्या होता है भाई, जनरली हम ब्लड्स के बारे में देख लें, ब्लड्स को क्या। ठीक, तो ब्लड को हिंदी में क्या नाम दिया जाता है, रुधिर। रुधिर क्या होता है भाई, रुधिर क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। रुधिर मीन्स रुधिर होता क्या, रुधिर के बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ। ब्लड्स क्या होता है और रुधिर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक, तो ब्लड क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक कहते हैं जिसको। क्या कहते हैं इसको, अदर नेम्स क्या जाता है इसको, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है भाई, कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं ब्लड को हम लोग, कनेक्टिव। ठीक, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, यानी क्या है, तरल संयोजी ऊतक। क्या नाम दिया गया है इसको, ब्लड को क्या कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। और इसमें क्या होता है, ब्लड की जिसमें स्टडी की जाती है, क्या कहते हैं उसको हम लोग, हिमाटोलॉजी। हिमाटोलॉजी द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ विच ब्रांच नोन एज द स्टडी ऑफ ब्लड विच ब्रांच इज कॉल्ड द हिमाटोलॉजी। ब्लड रुधिर की जिस ब्रांच में अध्ययन किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, हिमाटोलॉजी। क्या कहते हैं उसको, हिमाटोलॉजी। ठीक, हिमाटोलॉजी का हिंदी में भी नाम इसी तरह है भाई, हिमाटोलॉजी। ठीक, ये हिंदी में भी इसी तरह हिमाटोलॉजी। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुआ। तो हमने क्या बताया आपको, ब्लड की जिसमें स्टडी की जाती है जिस ब्रांच में, उसको क्या नाम दिया जाता है, हिमाटोलॉजी कहा जाता है, हिमाटोलॉजी। अब आगे हम इसमें बढ़ते हैं, ब्लड क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। टिश्यूज़ के बारे में क्या होता है, थोड़ा सा हम टिश्यूज़ के बारे में देख लिया जाए, तो हमारी बॉडीज़ किससे बनी होती है, सेल से। बॉडी हमारी किससे बनी होती है, सेल से। ट्रिलियन नंबर ऑफ द सेल इज़ द फॉर्मेशन ऑफ आवर बॉडीज़। हमारी बॉडी का निर्माण किससे हुआ, ट्रिलियन सेल होता है। कितने ट्रिलियन होता है भाई, 7 ट्रिलियन से लेकर 10 ट्रिलियन तक। ठीक है, 7 ट्रिलियन से लेकर 10 ट्रिलियन तक इंक्लूड होती है हमारी बॉडी को बनाने में। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। सेल्स क्या होती हैं, पहले थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस करा दें आपको, सेल्स क्या होती हैं। सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड द टिश्यूज एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड द ऑर्गन। क्या कहते हैं भाई हम इसको, ऑर्गन कहते हैं। एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम देन फाइनली सेल। ये हमारी एक सर्किल होती है जो कंटिन्यू चली जाती है। सेल्स को एक और नाम दिया जाता है, जायगोट। जायगोट, ये जायगोट कहाँ होता है भाई, एक यूनिसेलुलर सेल को क्या कहते हैं, जायगोट। जायगोट कहाँ पाया जाता है, जायगोट का मतलब जब हम किस में होते हैं, वोम में। ओम का मतलब क्या होता है, यूट्रस में जब हम अपने किस में रहते हैं, यूट्रस। दूसरा नाम क्या होता है भाई इसको, जान लीजिए, यूट्रस। ठीक, यूट्रस क्या होता है, यानी जब हम क्या है, गर्भाशय में होते हैं, जब हमारा जो है डेवलपमेंट किस में होता है, गर्भाशय में होता है, तब उसको क्या नाम दिया जाता है, जायगोट, सिंगल सेल को। ठीक है, यहीं से डेवलपमेंट शुरू होता है और हम इतने बड़े शरीर के रूप में लेके जन्म लेते हैं 9th मंथ के। ठीक है, ड्यूरिंग ऑफ द 9th मंथ। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हुए, टिश्यूज़ क्या होते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें जब हम टिश्यूज़ और सेल्स के बारे में पढ़ाएंगे तो हम सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। यहाँ हमारा मेन टॉपिक क्या है, ब्लड्स। ब्लड में हमने क्या बताया आपको, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब एक ऑर्गन है, फिर भी इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, टिश्यू नाम दे रहे हैं। ठीक, ठीक है, ब्लड की स्टडी किस में की जाती है, हिमाटोलॉजी में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आता है ब्लड को हम किससे नापते हैं। ठीक है, किससे नापते हैं, किस यंत्र द्वारा नापा जाता है, तो हीमाटो
हीमोसाइटोमीटर, क्या नाम है उसका, हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर, ये जो है ब्लड को मापने वाला यंत्र होता है, ठीक है, हीमोसाइटोमीटर, क्लियर हुआ। ब्लड की स्टडी किसमें की जाती है, हिमाटोलॉजी में, ब्लड का मापन किससे किया जाता है, हीमोसाइटोमीटर में। ब्लड का पीएच, अगला टॉपिक, अगला चीज आएगा हमारा, ब्लड का पीएच इंपॉर्टेंट होता है, पीएच मीन्स होता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो किसी भी लिक्विड में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जब केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाई जाएगी तो वहाँ चीज़ें बताई जाएंगी कि पीएच क्या होते हैं, कैसे इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ब्लड का पीएच कितना होता है, कितना होता है मेरे दोस्तों, ब्लड का पीएच 7.4, कितना होता है, 7.4 होता, 7.4 का मतलब, अब इसका हम लोग नेचर जान लें, ये कैसा होता है, ठीक है, इसका स्वाद कैसा होता है, तो कैसा होता है भाई, बेसिक एल्कलाइन होता है, बेसिक एल्कलाइन, बेसिक प्लस एल्कलाइन, एल्केलाइन, ठीक, कैसा होता है, बेसिक एल्कलाइन होता, नमकीन और क्षारीय होता, ठीक है, नमकीन और क्षारीय होता। और कैसा दिखता है ब्लड, किस कलर का दिखता है, रेड कलर का, लाल रंग का, कैसा होता है ब्लड का कलर, लाल, कलर्स कैसा होता है, लाल यानी रेड, किसके वजह से होता है, इसमें एक पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कलर होता है वो किसके लिए होता है, कलरिंग पिगमेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, क्या नाम दिया गया उसको, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मींस HB, ऐसे हम लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, इसको क्या नाम दिया जाता है, HP शॉर्ट फॉर्म इसका कहा जाता है, HB हीमोग्लोबिन, ठीक, हीमोग्लोबिन। कितना हीमोग्लोबिन होता है, एक पहली चीज़ तो ये जान लीजिए, एक स्वस्थ मनुष्य में, एक जो है फिट ह्यूमन में कितना ब्लड होता है, कितना होता है, NCERT वाला क्वेश्चन, मैं चीज़ों को लिख रहा हूँ, NCERT में जो चीज़ें दी गई हैं, 5 to 6 लीटर, कितना दिया गया है, 5 to 6 लीटर, किस में होता है, ये मेल में होता है, मेल में 5 to 6 लीटर किस में होता है, मेल में होता है। अगर हम फीमेल्स की बात कर लें, फीमेल्स में होता है 4 to 5 लीटर, 4 to 5 लीटर फीमेल में, ठीक। तो एक जो है स्वस्थ मनुष्य में कितना ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर, और एक स्वस्थ महिला में कितना ब्लड होता है, 4 से 5 लीटर, ठीक है, ये जनरली दिया जाता। अगर ml में पूछ लिया जाएगा तो कितना होता भाई, ml में 405 ml, ठीक है, 405 ml होता है एक जो है हेल्थी पर्सन में, ठीक है, 405 ml, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, हो सकता है ml में पूछ लिया जाए, अगला क्वेश्चन हमारा ml में पूछ लिया जाए, तो 405 ml होता है हेल्थी पर्सन में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई चीज़ें। अब आता है HB यानी हीमोग्लोबिन कितना होता, हीमोग्लोबिन हमारा कितना होता भाई, 12 से 14, HB किस में होता है, ये मेल में होता है, मेल में, और फीमेल में कितना होता भाई हमारा, 10 से 12, HB हीमोग्लोबिन कितना होता है फीमेल में, फीमेल में 10 से लेके 12 तक फीमेल में होता है, ठीक है, ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई यहाँ तक। अब ब्लड हमने क्या देख लिया भाई, ब्लड का नेचर देखा, ब्लड का कलर देख लिया, ब्लड के कलर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है जनरली, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन, हीमोग्लोबिन ये मैंने लिखा था, इसमें क्या होता है, आयरन, आयरन प्लस क्या होता है, आयरन प्लस ग्लोबिन, दो वर्ड इसमें इंक्लूड होते हैं, ग्लोबिन, ठीक। ये आयरन क्या होता है भाई, आयरन क्या होता है, आयरन एक एलिमेंट है और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, क्लियर हुई, सॉरी, आयरन एंड ग्लोबिन दो चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ब्लड कैसा क्या होता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी ब्लड एक परिसंचरण, ब्लड एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड का रंग किस कलर का होता है, लाल होता है, किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन वजह से होता है, ठीक है। एक हेल्थी पर्सन में ब्लड कितना होता है, 5 to 6 लीटर होता है। एक हेल्थी फीमेल महिला में कितना होता है, 4 to 5 लीटर होता है। अगर ml में आ जाता है तो 4050 ml होता है, हेल्थी पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका pH कितना होता है, 7.4 होता है। इसका नेचर्स कहता है बेसिक प्लस एल्कलाइन, नमकीन और क्षारीय होता है। क्षारीय क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि 7.4 होता है,
ठीक। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ तक क्लियर हुआ सबका। अब आता है ब्लड के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ये जो एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले हैं उसको, उनके लिए बिल्कुल ही बेनिफिशियल क्लासेस होंगी ये ब्लड के कंपोनेंट्स। अब ब्लड्स के कंपोनेंट्स क्या क्या ब्लड में पाए जाते हैं ये चीज़ हम देखेंगे। ब्लड्स के कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ब्लड्स, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ब्लड में, तो दो चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं ब्लड में, क्या क्या होती है भाई, एक हमारी होती है सेल्स होती हैं, और दूसरा हमारा क्या होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट। ये हमारा सॉलिड पार्ट होता है और ये हमारा लिक्विड पार्ट होता है। सेल्स में कौन कौन सी सेल्स होती हैं इसको हम देख लें। सेल्स में हमारी कौन कौन सी सेल होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और क्या होता भाई, प्लेटलेट्स, ठीक। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसको क्या नाम हिंदी में क्या कहते हैं, कणिका, लाल रुधिर कणिका, यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, लाल रुधिर कणिका, हिंदी में नाम क्या है इसका, कणिका, लाल कणिका, रुधिर कणिका, लाल, एक सेकंड सीरियल वाइज लिख दूं मैं, लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका। और इसी तरह WBC को क्या कहते हैं, वाइट रुधिर कणिका, यानी सफेद रुधिर कणिका, ठीक है। ये प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही कहते हैं, ठीक है। या इसको कहते हैं बिंबाणु, क्या नाम दिया जाता है इसको हिंदी में, बिंबाणु, बिंबाणु हिंदी में क्या कहते हैं भाई, बिंबाणु, ठीक। क्लियर हुआ ये चीज़ें, लाल रुधिर कणिका, सफ़ेद रुधिर कणिका और बिंबाणु, ये तीन जो है सॉलिड पार्ट होते हैं। और जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, नाम दिया जाता है प्लाज्मा, प्लाज्मा। अब आती है बात यहाँ परसेंटेज की, कितने परसेंट कौन होता है, ठीक। अभी हमने ब्लड में देख लिया कितना होता है। एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए, पहले वाले पार्ट में हमने नहीं शायद बता पाया था या इसी पार्ट में, तो ब्लड जो है टोटल बॉडी वेट का कितना होता है, 7%, कितना होता है, 7% टोटल बॉडी वेट, टोटल शरीर का जो भार होता है उसका कितना होता है, 7% होता है। सेल्स कितने परसेंट होती है भाई, 45%, और लिक्विड यानी प्लाज्मा कितना परसेंट होता है हमारा, 55%, ठीक। कितना होता है सेल्स हमारी, 45%, और लिक्विड कितनी होती है, 55%, ठीक है। लाल रुधिर कणिका और सफ़ेद रुधिर कणिका, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आरबीसी, सफ़ेद को क्या कहते हैं डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स को बिंबाणु। अब सबसे पहला हम देखते हैं प्लाज्मा, पहला कंपोनेंट हम स्टडी करेंगे प्लाज्मा, व्हाट इज द प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होती है भाई, जो कि 55% होती है टोटल ब्लड में, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में हम लोग स्टडी कर लें, प्लाज्मा क्या होता है भाई देख लेते हैं हम लोग, ठीक। प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा, प्लाज्मा पहला चीज इसको आता है कलर्स, इसका कलर्स कैसा होता है, प्लाज्मा का कलर्स कैसा होगा भाई, प्लाज्मा का कलर होता है किस कलर का होता है, लाइट येलो कलर का, लाइट, लाइट येलो कलर, लाइट येलो किस कलर का होता है भाई, लाइट येलो कलर, ठीक। लाइट येलो कलर का मतलब, लाइट येलो कलर मतलब चटक पीला रंग क्यों होता है, हमने पहले ही बताया है कि कलर के लिए क्या होता है, कोई पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा पिगमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या नाम उस पिगमेंट का है, बाइलरुबिन, ठीक। इस पिगमेंट की वजह से क्या होता है,
चटक पीला कलर का होता है, ठीक है। क्या नाम उसको होता है? बाइलरुबिन। ये कहाँ से आता है भाई, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख ले। लीवर, हमारे बॉडी में एक पार्ट होता है लीवर, लीवर ही जनरली इसको सिक्रीट करता है। ये दो कलर सिक्रीट करता है, एक बाइलरुबिन, एक बिलीवर्डिन, एक बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन, ठीक। दो कलर होता है, बाइलरुबिन और बिलीवर्डिन। तो बाइलरुबिन की वजह से प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का चटक पीला रंग का होता। यहाँ तक क्लियर हुई सबको सारी चीज़ें? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लीवर्स के बारे में हम स्टडी कब करेंगे, जब हम कहाँ पहुँच जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। प्लाज्मा में क्या नहीं होता है, आरबीसी प्लाज्मा में नहीं होता, आरबीसी प्लाज्मा में अब्सेंट होता है। क्या होता भाई? आप सेंट होता है, यानी नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक। प्लाज्मा में आरबीसी अब्सेंट होता है, यानी कि क्या होता है, प्लाज्मा में आरबीसी नहीं पाया जाता है। प्लाज्मा में क्या होता है, इसका मतलब डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, ठीक। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला, ये तो हो गया, ठीक है। अब प्लाज्मा में क्या क्या और होता है, अब आता है प्लाज्मा की बात। प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर, पहला चीज वाटर। वाटर कितना होता है, 92% कितना होता है, 92% इतना वाटर होता है। अगला क्या चीज होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस मिनरल, ग्लूकोज प्लस मिनरल कितने होते हैं इसमें, 1%। थर्ड क्या होता है इसमें, प्रोटीन, कितने परसेंट होता है प्रोटीन, 8-9%। ये सब क्लियर हुआ? प्लाज्मा में आरबीसी एब्सेंट होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। वाटर प्लाज्मा में होता है कितना, 90-92%। ग्लूकोज प्लस मिनरल 1% होते हैं, और प्रोटीन कितना होता है, 8-9% तक होता है, ठीक। अब वाटर्स का मेन वर्क क्या होता है, प्लाज्मा का मेन वर्क क्या होता है, ये सब चीज़ों को हम एक एक करके आइडेंटिफाई कर लें, क्लियर कर लें। तो मेन काम क्या होता है वाटर का, वाटर का मेन काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना। किसको ट्रांसपोर्ट करता है भाई, हमारी जो शरीर में जो भी फूड मटेरियल आता है, ठीक है, फूड मटेरियल हुआ या फिर ऑक्सीजन हुआ, अदर चीज़ें, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट कौन करता है, बॉडी सेल तक कौन पहुँचाता है, प्लाज्मा में जो उपस्थित होते हैं प्लाज्मा के द्वारा ही जाते हैं। अगला चीज़ हमारा होता है, दूसरा काम क्या होता है वाटर का, ये रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, रेगुलेट करता है मतलब मेंटेनेंस बनाए रहता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, क्या रेगुलेट करता है, रेगुलेट करने का मतलब एक निश्चित रूप में बनाए रहता है, मतलब मेंटेन करता है, ठीक। अगला चीज़ अगर हम देख लेते हैं इसमें मिनरल्स और प्रोटीन, मिनरल्स और प्रोटीन्स का क्या वर्क होता है, प्रोटीन्स और प्रोटीन था और क्या था हमारा, ग्लूकोज, ग्लूकोज का मेन वर्क होता है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी फॉर्मेशन करना किसका काम होता है, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज कैसे जाता है भाई, ग्लूकोज हमारी सेल तक पहुंचता है, फिर सेल्स में हमारी क्या होती है, माइटोकांड्रिया, जो किस में कन्वर्ट कर देती है, एटीपी में। एटी का पूरा नाम क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। अब आता है प्रोटीन, प्रोटीन में क्या होते हैं, प्रोटीन कितने तरह के होते हैं, फाइब्रिन, फाइब्रोनोजन या फाइब्रिन, इसके बाद थ्रोम्बोनोजिन, इसके बाद हमारा क्या आता है, प्रोथ्रोम्बोनोजिन, ठीक। तीन टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोनोजिन, फाइब्रिन, थ्रोम्बोनोजिन और प्रोथ्रोम्बोनोजिन। इनका वर्क क्या और फंक्शंस क्या होता है, इनका मेन वर्क क्या होता है भाई, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन का, ये ब्लड के क्लॉटिंग में वर्क करता है, हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग में मतलब क्या होता है, अगर जब कभी हमें चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड क्या होता है, बिल्कुल गिरने लगता है एकदम तेज़ी से, और ये क्या करता है भाई, इसमें क्लॉटिंग करने में मदद करता है। क्लॉट क्या होता है, मतलब जाम कर देता है, मतलब उसको रोक देता है, ठीक।
ऐसा नहीं कि कभी अभी हम देखे होंगे हमारे घर में टंकियाँ लगी होंगी तो उसमें क्या होता है, अगर जरा सा छेद हो जाए सारा का सारी पानी बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही सेम हमारी बॉडी में भी ब्लड होता, ब्लड पूरा सर्कुलेट करता, मूव करता, मतलब सर से लेकर पाँव तक। तो ऐसा कहीं चोट लगती है तो हमारा ब्लड बाहर आने लगता, तो उस ब्लड को कौन रोकता भाई, यही रोकते हैं प्रोटीन। कौन होते हैं? फाइब्रोनोजिन, थ्रम्बिन और प्रोथ्रम्बिन। अब इसके आगे जो है हम आपको आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।